बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे. आप ही सिर्फ ये बोल रहे हैं, बाकी सारे मान नहीं रहे, क्या बात है. ओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. आप लोगों को खुश कर दिया आज रेड कार्पेट पे. हाँ जी, नहीं प्रमोशन नहीं, आज तो सुबह कुछ शूट कर रही थी मैं, तो कल रात के 12 बजे लैंड किया था हमने जयपुर से प्रमोशन आ गया. सुबह से शूट कर रही हूँ, यहाँ पे आई हूँ. आई होप आज अभी इसके बाद जब खत्म होगा तो घर जाके बहुत लंबी नींद लेने वाली हूँ मैं. बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, नेक कार्यक्रम हेमा जी ने किया आपके शब्द इस पर. जी मैं खुद एक क्लासिकल ट्रेन डांसर हूँ, सो मेरे को पता है कि डांसिंग एज एन आर्ट कितनी प्यारी होती है उन लोगों के लिए जो सीखते हैं प्रोफेशनली. तो इसलिए ये देखना चाहती हूँ कि उनका जो ऑर्गेनाइज किया गया है जो कार्यक्रम है वो कैसा होता है, जो जॉर्जियन डांसर्स आते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं. उनको पहली बार देखने वाली हूँ मैं, मैंने कभी जॉर्जियन डांसर्स का डांस फॉर्म नहीं देखा है, तो मेरे लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूजन होने वाला है. और मैं बहुत खुद ही, क्योंकि मैंने बोला ट्रेन डांसर हूँ, तो मैं हर तरह के डांस फॉर्म्स को फॉलो करना पसंद करती हूँ. हाँ, उस पर भी डांस कर रही हूँ. बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला. मेरा तो खुद का इतना फेवरेट गाना था कि मैं खुद ही पागल हो रखी थी जब गाना लॉन्च हुआ था, क्योंकि मेरा बचपन से मेरा ये फेवरेट गाना रहा है. तो मतलब एक नोस्टैल्जिया अलग लेवल का हो जाता है अगर उस पर ही आपको परफॉर्म करने को मिले फिल्म में और उसका आप हिस्सा हैं. तो आई थिंक मैं तो खुद ही इतना इंजॉय कर रही थी ऑडियंस के साथ. ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बड़े सारे आए हैं. मतलब सबसे पहले तो ये शॉकर था कि हमने सोचा नहीं था आप ये भी कर सकती है, आप हमने सोचा नहीं था आप ऐसे भी दिख सकते हो. आप किसी ने पूछा था आप मारने तोड़ने के अलावा इस पिक्चर के अंदर भी कुछ मतलब मारना है या तोड़ने वाली है. मैंने कहा था हाँ, इस पिक्चर में बड़े दिल तोड़ूंगी मैं. सो मेरे को इस तरह के बड़े शॉकिंग सरप्राइजिंग कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ. मैं अपनी पिक्चरों को लेके अभी तक इतनी नर्वस नहीं होती हूँ, स्पेशली जुड़वा 2 को लेके मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ. मेरे को पता है पिक्चर पसंद आएगी लोगों को. आई थिंक हाँ, मतलब एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मुझे. ये पहले भी पिक्चर जो मैंने करी थी उस टाइम वो एक्सपेक्ट होना कर रहे थे मैं तोड़ फोड़ करूँगी, वो तो उसके बाद उनको लगा चलो आगे ये दोबारा वही करेगी, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ. तो हर तरह हर बार की तरह इस बार भी जो एक्सपेक्टेशन लेकर अगर आप रखने वाले हैं कि ये वो करने वाली है, वैसा नहीं करूँगी मैं. एक और आएगा, एक और आएगा, अभी एक बीच सॉन्ग आने वाला है बहुत जबरदस्त. हाँ जी, जिसके अंदर मैंने बिखरी डाली हुई है वही है. शाहरुख खान भी है अंदर. अच्छा जी जी जी. ओह वाओ, आई वुड लव टू मीट हिम. आई हैव नॉट मेट दैट मेनी बिग स्टार्स ऑफ बॉलीवुड इन पर्सन एज येट, सो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ देम. बिफोर यू लीव, पता नहीं सबसे रिक्वेस्ट आई, पता नहीं गाने की एक लाइन बोल के जाएंगी या मैं बहुत गंदा गाती हूँ. मैं चेहरे पे सब कुछ कौन सा वाला गाना गाऊं, जी है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं दिल रजा मंद है, और नई वाली लाइन गाती हूँ आजा 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 मेरे स्वैगर वाले राजा तेरी याद सताए दुल्हे राजा अब तो आजा. भाई बहुत ही गंदा गाती हूँ, अनु मलिक जी बहुत मारेंगे चाहूँ मैं. नहीं उसका नहीं, वो ऊंची बिल्डिंग का है वो उसका हो गया तो अच्छी बात, एटलीस्ट दीपिका से कंपेयर करें आई एम वेरी हैप्पी.